बहुचर्चित शिवसेना नेता रमेश साहू हत्याकांड का खुलासा आखिरकार इंदौर पुलिस ने एक हफ्ते में कर दिया है। शुरुआत में इस मामले को आत्महत्या और संपत्ति विवाद से जोड़कर देखा जा रहा था, लेकिन ये पूरा मामला डकैती और हत्या का निकला। तेजाजी नगर थाना इलाके के उमरीखेड़ा में ढाबे का संचालन करने वाले रमेश साहू की 2 और 3 सितंबर की दरमियानी रात में गोली मारकर हत्या कर दी थी। योजना ढाबे पर काम करने वाले शख्स पप्पू ने रची थी, जिसने डकैती की नियत से धार के कुख्यात बदमाशों के साथ योजना बनाई। वहीं वारदात को अंजाम देने के दौरान रमेश साहू की संघर्ष के दौरान गोली लगने से मौत हो गई। पुलिस ने वारदात में उपयोग की गई गाड़ी और हथियार जब्त कर लिए हैं। साथ ही अलग अलग जगह से 7 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। ये प्लांट, इसमें अलग अलग तरीके से आरोपी काफी शातिर थे। ये घटना करने के बाद ही भाग गए थे, गुजरात के अलग अलग जगहों पे थे, अलग अलग जिलों में थे, बड़वानी, धार, खरगोन जैसे जिलों में भाग गए थे। यहाँ पर एकाधी थे, बाकी सभी अलग अलग जिलों में भागे थे। लेकिन टीम ने एक के बाद एक कड़ियाँ जोड़नी शुरू की। वहीं से उमरी खेड़ा से लेकर के और द्वारिका तक हर जगह टीमें फैली हुई थी। लगभग इस पूरे ऑपरेशन में हमारे 60 लोग लगे थे, 60 से 65 अधिकारी कर्मचारी लगे थे, जो लगातार एक सप्ताह तक काम करते रहे, क्योंकि इस घटना को हम लोगों ने काफी एक चुनौतीपूर्ण घटना के रूप में चिन्हित किया था। पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी भी, चूंकि घटना का जिस तरह से स्वरूप था, जिस तरीके से इसमें पेचीदगियां थी, जिस तरीके से भ्रम की स्थिति बार बार पैदा हुई, पुलिस के लिए एक चुनौती के रूप में और साथ ही साथ एक प्रोफेशनल तरीके से भी एक पुलिस ने इसे बड़ी चुनौती के रूप में लिया। और अंततः हमारी टीम इसे एक सप्ताह के अंदर पर्दाफाश करने में कामयाब रही और 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।